क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम है, लेंथ एल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही अपना परफॉर्म करेगा मोशन जो भी है, रेस्ट पे है, इंपल्सिव फोर्स लगाया एफ डेल्टा टी टाइम के लिए एक्स डायरेक्शन में पॉइंट ए पे, हमको एक्स क्वाड्रेंट निकालना है एंड ए ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, रॉड बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियली द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज 0 0, ठीक है, यानी का मतलब ये है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंपल्स की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास को कुछ वेलोसिटी मिलेगी और इसको कुछ ओमेगा भी मिलेगा, रॉड को मिलेगा, मानते हो, तो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये तो पढ़ा होगा तुमने, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, प्लस टाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, ये भी पढ़ा है, क्या है ये, चेंज इन एंगुलर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है ना बेसिकली, आई ओमेगा माइनस 0, टाउ डेल्टा टी ये हो गया एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो यहां से इस इक्वेशन से टाउ कितना है बताओ, सेंटर ऑफ मास के वोट निकल रहा है, टाउ कितना है, एफ इंटू एल बाई टू डेल्टा टी, और सेंटर ऑफ मास का ये जिस एक्सिस का वोट घूम रहा है वो रॉड के सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ठीक है, अब इसमें से एफ डेल्टा टी कर दो, एल बाई टू अलग कर लो, एफ डेल्टा टी आया, एफ डेल्टा टी कितना आया, एफ डेल्टा टी आया एम वी, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, यहां से हमको क्या आ रहा है, इस इक्वेशन से आएगा हमको क्या आएगा बोलो, एम एम तो कट गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू 6 टाइम्स वी आ रहा है, ठीक है, यानी कि ओमेगा इज 6 V/L, कोई दिक्कत, अब कहने का मतलब ये है कि रॉड बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब रॉड कैसा हो जाएगा, रॉड ऐसा हो जाएगा, रॉड ऐसा हो जाएगा मतलब कितना एंगल घुमा, पहले रॉड ऐसा था, तो रॉड ऐसा था कितना एंगल घुमा रॉड बताओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा, बोलो, तो 90 डिग्री घुमा तो मान लेते हैं टाइम क्या है, टाइम टी है, ओमेगा कांस्टेंट है ना, एक बार फोर्स लगना बंद हो गया उसके बाद कोई टॉर्क नहीं है, तो ओमेगा अल्फा कुछ है नहीं, तो अल्फा नहीं है मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका कांस्टेंट है, तो ओमेगा इनटू टाइम इज इक्वल टू एंगल ट्रेवल्ड विच इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास will be equal to velocity into time. Time की वैल्यू निकाली हमने कितनी? Time की वैल्यू है pi by 2 omega. ठीक है? Pi by 2 into omega. Omega की वैल्यू कितनी है? 6 V by L. डालो यहाँ पे. तो V pi by 2 omega is 6 V by L. तो ये कट जाएगा V और V हमारे पास आंसर आएगा pi L by 12. ठीक है? तो अब देखो क्या हो रहा है. इसको लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रॉड है ये मेरा आगे भी बढ़ रहा है और मतलब सेंटर ऑफ मास, लेकिन रॉड का ऐसा ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे बढ़ता रहेगा और रॉड घूमता भी रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम के बाद ऐसा है सिचुएशन, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव किया बताओ, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस मूव किया है पाई एल बाई 12 और पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, एल बाई 2 प्लस पाई बाई 12, तो आंसर आ गया डी, है कि नहीं, सिंपल है ना ये,